नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खबर आई है एयरफोर्स की तरफ से और हमारे भारतीयों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों आपको उस खबर की तरफ ले जाते हैं। दोस्तों आज डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा का परीक्षण किया और ये 70 किलोमीटर की रेंज से परीक्षण किया गया, यानी जो अभी इसकी रेंज है वो 70 किलोमीटर है। और दोस्तों इसे SU-30 MKI फाइटर जेट से छोड़ा गया और इस फाइटर जेट ने वेस्ट बंगाल में एक एयर बेस से उड़ान भरी। दोस्तों इस मिसाइल को इंडिया में ही डीआरडीओ ने डेवलप किया है और उसके बाद में डीआरडीओ ने ही इसको SU-30 के साथ में इंटीग्रेट किया है। इसके अलावा इसको अदर एयर प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इंटीग्रेट किया गया है, लेकिन अभी टेस्ट फायर इसे SU-30 से ही किया जा रहा है। और दोस्तों इसे डेवलप करने के अंदर HAL का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि Sukhoi-30 के साथ जब इसको इंटीग्रेट किया जाना था तो Sukhoi-30 के अंदर भी काफी ज्यादा चेंजेस की जरूरत थी, उसके सॉफ्टवेयर में और उसके हार्डवेयर के अंदर भी काफी ज्यादा चेंजेस की जरूरत थी, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने परफॉर्म किया। इसके अलावा दोस्तों इस मिसाइल के प्रोडक्शन में और इसके डेवलपमेंट के अंदर 50 से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की और पब्लिक सेक्टर की कंपनीज लगी हैं। तो एक तरह से मिसाइल डेवलपमेंट के लिए इकोसिस्टम तैयार हो गया है और आने वाले समय में इसकी और ज्यादा बड़ी सफलताएं आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों इससे पहले भी अक्टूबर 2018 के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने अस्त्रा मिसाइल को टेस्ट किया था और तब इसकी जजमेंट को देखने के लिए इसको पायलटलेस टारगेट के ऊपर छोड़ा गया था। और उस टारगेट की खासियत ये थी कि वो मैन्यूवर कर रहा था, अपनी पोजीशन बार बार बदल रहा था। इसके अलावा दोस्तों मीडियम और लॉन्ग रेंज दोनों रेंजेस के लिए इसके टेस्ट किए गए, जो कि सभी टेस्ट सफल रहे। और दोस्तों अस्त्रा मिसाइल जो है ये इंडियन एयरफोर्स में नेक्स्ट ईयर इंडक्ट की जाएगी, यानी पूरी तरह से इसका प्रोडक्शन शुरू होके इसे एयरफोर्स के अंदर शामिल किया जाना शुरू हो जाएगा। तो इस मिसाइल की अगर खासियत की बात करें तो ये ऑल वेदर फ्रेंडली है, जिसका मतलब ये है कि हर तरह के मौसम में ये काम कर सकती है, डे हो नाइट हो जैसा भी मौसम हो। इसके अलावा दोस्तों इंडिया में बनी है पहली एयर टू एयर मिसाइल है जिसे खुद इंडिया ने तैयार किया है, यानी डीआरडीओ ने इसे बनाया है। और दोस्तों इसके सिस्टम की बात करें तो ये इनर्शियल गाइडेंस और एक्टिव रडार होमिंग दोनों सिस्टम पे काम करती है। इसके अलावा दोस्तों ये टारगेट को मिड रेंज पे, बियॉन्ड विजुअल रेंज पे और नियर बाय टारगेट को भी हिट कर सकती है। ये मिनिमम 20 किलोमीटर तक भी टारगेट को ध्वस्त कर सकती है और बियॉन्ड विजुअल रेंज अभी इसकी कैपेबिलिटी 70 किलोमीटर है, लेकिन आने वाले समय में 130 तक इसकी रेंज होगी। और दोस्तों इसे फ्यूचर में MiG-29 और Mirage-2000 पे भी लगाया जाएगा। और दोस्तों अगर हम अगेन फ्यूचर की बात करें तो डीआरडीओ का ये भी प्लान है, इसका MK-2 वर्जन जो आएगा उसकी रेंज 300 किलोमीटर के करीब होगी और उसके लिए कई टेस्ट किए जा रहे हैं, स्पेशली प्रोपल्शन सिस्टम के अंदर। इसके लिए लिक्विड फ्यूल रैमजेट और सॉलिड फ्यूल रैमजेट और इसके अलावा ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का भी अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि इसकी रेंज को कैसे बढ़ाया जाए। तो इन फ्यूचर आप देखेंगे कि ये 300 किलोमीटर रेंज में होगी और इसका कोई जवाब नहीं होगा पाकिस्तान और चाइना के पास। दोस्तों अगर हम इसके अलग अलग ग्राउंड टेस्ट की बात करें, जैसे कि फर्स्ट एयरबोर्न टेस्ट या फिर लाइव टारगेट टेस्ट या ECCM टेस्ट, इसके अलावा कंट्रोल सिस्टम टेस्ट, कई तरह के इसके टेस्ट होते हैं, तो अभी तक इसके जितने टेस्ट हुए हैं वो 29 बार हुए हैं और उसमें से केवल 3 बार इसका फेलियर हुआ है, और वो भी दोस्तों 2016 से पहले तक, उसके बाद में कोई भी इसका फेलियर नहीं हुआ है। तो आप मान सकते हैं कि जब से इस मिसाइल को बनाना शुरू किया तो ये हर टेस्ट पास करती रही है, इसलिए हम मान के चल सकते हैं कि फ्यूचर में ये बहुत जल्दी बड़ी रेंज हासिल कर लेगी। और दोस्तों अगर हम इसके सिमिलर मिसाइल की बात करें या ये किन मिसाइल्स को इनिशियल स्टेज में टक्कर देगी, तो ये इसराइल की डर्बी मिसाइल और MBDA की माइका मिसाइल और पाकिस्तान या चाइना की PL-12 मिसाइल को टक्कर देगी। और जब फ्यूचर में इसका दूसरा वर्षन MK-2 वर्षन डेवलप हो जाएगा तो ये इन सबसे आगे निकल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।